उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जो विकास का काम कर रही है उसको आगे बढ़ाते रहने के लिए यूपी में भाजपा सरकार का आना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 4 लेन से लेकर उद्योग धंधों तक का तेजी से विकास हुआ। भाजपा जो संकल्प लेती है वो करती है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता ने फैसला किया है, यूपी का विकास करने वालों को ही वोट देंगे। लोगों ने फैसला लिया है, जो अपराधियों को जेल में रखेंगे उन्हें वोट देंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनाते हैं आपको। जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेगा हम उसे ही वोट देंगे। जो अपराधियों को जेल भेजेगा हम उसे ही वोट देंगे। आज पश्चिमी यूपी के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान चल रहा है। अभी रास्ते में जो मुझे पहले ट्रेन की खबर किसी ने दी, मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। मैं चुनाव आयोग का, चुनाव की ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों का और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने के लिए कतार में खड़े रह करके मतदान के लिए आगे बढ़े हैं, ऐसे सभी मतदाताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है, इस तरह के काम बेरोक टोक चलते रहे इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। साथियों, सहारनपुर खेती
किसानी के साथ ही उद्यमियों का भी गढ़ है। यहां लकड़ी का फर्नीचर का इतना काम होता है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी सामान समय पर पहुंचाना कितना जरूरी होता है। ऑर्डर मिले लेकिन समय पर सामान न पहुंचे तो फिर ऑर्डर ही मिलना बंद हो जाता है। किसान भी जानते हैं कि उनकी उपज, चाहे फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, अगर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने में अगर देर हो जाती है तो उसमें से काफी मात्रा में उनका पैदावार बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है। इसे समझते हुए ही योगी जी की सरकार यूपी के अलग अलग जिलों को अच्छी सड़कों से जोड़ रहे हैं, यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली सहारनपुर फोर लेन, सहारनपुर एयरपोर्ट, यूपी में इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए।